हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी ब्लॉगिंग डेली देखते होंगे। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि मैं जाने वाला हूँ दुबई और मेरी कुछ शॉपिंग बाकी रह गई है। मुझे परसों दुबई जाना है, परसों मेरी फ्लाइट है मॉर्निंग की 5 बजे की और मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा 12:30 बजे, क्योंकि इमिग्रेशन होगा और वहाँ पे जितनी भी प्रोसेसिंग होती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए तो वो सारी कंप्लीट होंगी। तो मुझे यहाँ से 12:30 बजे निकलना है और 1 घंटे का रास्ता है, तो 1:30 बजे मैं पहुंचूंगा। 5 बजे की फ्लाइट के लिए मुझे अप्रॉक्स 1:30 बजे तो पहुंचना पड़ेगा रात में, तो उस दिन पूरी रात खराब होने वाली है मुझे पता है। लेकिन अभी जो है मेरी कुछ शॉपिंग बाकी रह गई है, वो शॉपिंग मुझे करनी है आज। शॉपिंग में मुझे अभी तो करेंसी लेके आनी है और मेरे कुछ बूट लेके आने हैं, कुछ इस तरह के कुछ छोटे मोटे सामान, कुछ मेडिसिन लेके आनी है, कुछ सूखा नाश्ता लेके आना है। तो इस तरह के कई सारे सामान, कई सारे की चीजें होती हैं जो इंटरनेशनल ट्रिप में हमें ले जानी पड़ती है। तो अभी आज मैं लेके आने वाला हूँ इन चीजों को। वैसे आज जो मेरा प्रोग्राम था वो साइंस सिटी जाने का प्रोग्राम था, लेकिन आज मैं साइंस सिटी नहीं जा पाऊंगा। साइंस सिटी एक जगह है, वहाँ पे एक अच्छा फन, एक बच्चों का लर्निंग दिया जाता है, लर्निंग के लिए वहाँ पे अच्छा है साइंस सिटी। तो अभी जो मेरे फैमिली वाले हैं वो तो जा रहे हैं साइंस सिटी, लेकिन मैं और मेहल साइंस सिटी नहीं जा रहे हैं। तो चलिए, आज मैं पहले जाऊंगा, आज मुझे हेयर कट भी करवाना है एक्चुअली, और फिर उसके बाद जो है जाऊंगा करेंसी लेने और कुछ सामान की शॉपिंग करने। तो आज पूरा दिन मेरे साथ बने रहिए, आप पूरी ब्लॉगिंग देखिए। तो चलिए, अभी मैं चलता हूँ नहाने। चलो बाय। कहाँ जा रहा है तू, रुमाल वाले भैया कहाँ जा रहे हैं? साइंस सिटी। ये क्या है? मेरा जिस्म। तुम्हारा? मेरा, मेरा। बाबू बाबू जी बुला रहे, मौसम अच्छा हो गया। हट जाओ, पीछे हो जाओ, गाड़ी आ रही, हट जाओ, साइड हो जाओ। बाय गुड़िया, बाय, बाय बाय। बच्चे कैसे आएंगे? सामान भी तो है। ये अपने बैग आप आगे रख लेना। बाय। तुम तो हर रोज। तो ये सारे तो निकल गए हैं साइंस सिटी और अभी मैं जाता हूँ नहाने। साइंस सिटी कैसा है वो मैं आपको किसी ब्लॉग के अंदर जरूर दिखाऊंगा। साइंस सिटी अहमदाबाद का बहुत अच्छा है साइंस सिटी। चलो अभी जाता हूँ नहाने। तो गाइज, अभी आया हूँ मैं हेयर कट करवाने। मेरे को पहले नहाने जाना था लेकिन मेरा कुछ प्रोग्राम चेंज हो गया, तो मैं आया हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा पहले कटिंग करवा लेता हूँ, उसके बाद नहाने जाएंगे, क्योंकि फिर कटिंग करवाने के बाद भी नहाना पड़ता है, क्योंकि मेरी प्लानिंग थी शाम को कटिंग करवाने की, लेकिन मैं अभी आ गया। कटिंग करवाने के बाद फिर मैं जाऊँगा शॉपिंग करने। तो चलिए कटिंग करवा लेता हूँ। बैठ जाऊँ क्या? तो चलिए गाइस, कटिंग तो हो गई है मेरी कंप्लीट, हेयर कट हो गया है कंप्लीट। अब मैं जा रहा हूँ घर पे, उसके बाद नहाऊंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा अपनी करेंसी चेंज करने। तो गाइस, अभी मैं नहा धो के हो गया हूँ रेडी और अभी मैं जा रहा हूँ करेंसी लेने के लिए, करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। 50,000 की मुझे करेंसी लेनी है, जिसके अंदर से मुझे 25,000 के धीरम लेने हैं, जो कि दुबई में चलते हैं धीरम, वहाँ की करेंसी है, और 25,000 का मुझे लेना है डॉलर। मैंने पता किया था, उसमें ऐसा है कि ना तो पूरे डॉलर लेने हैं ना पूरे धीरम लेने हैं, आधे आधे लेने हैं, तो इसलिए मैं 25,000 के धीरम, 25,000 के डॉलर लेने वाला हूँ। और अगर आप जब भी करेंसी चेंज करने जाओ तो करेंसी एक्सचेंज करने के से पहले 2-3 जगह पता करो, क्योंकि इनकी जो रेट होती है उनमें वेरिएशन होता है। अप्रॉक्स 50 पैसे और 1 रुपीज के समथिंग डिफरेंस रहता है अलग अलग लोगों से अगर आप लेते हो तो, करेंसी एक्सचेंज वालों से। इसलिए 2-3 जगह पता करें उसके बाद लें, क्योंकि जो धीरम है वो मैं जब लेने गया था, पूछा था मैंने, तो 22.25 बताया था एक जगह, और जब मैं जहां लेने जा रहा हूं वहां मुझे 21.5 बताया है। तो देखो आप, 0.75 पैसे का फ़र्क पड़ गया। इस तरह से ही डॉलर पे भी यही है, 79.75 का मुझे डॉलर बताया था एक जगह, अब मैं दूसरी जगह जहाँ मैं लेने जा रहा हूँ वहाँ 79 रुपीज़ का डॉलर बताया है। तो इस तरह से डिफरेंस रहता है, तो जहाँ भी आप जाओ लेने थोड़ा पता करके जाएं। इस तरह से आप मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहिए, आपको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस तरह से नई नई जानकारी जानने को मिलेगी। अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप और कहीं जाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो करें और आप नई नई जानकारी हासिल करें।
इतनी भूख लग रही है इसलिए नाश्ता कर रहे हैं। करेंसी लेने से पहले नाश्ता किया जा रहा है, है? फाइनली मैं आ गया हूँ घर पे ये करेंसी लेके जिसके अंदर दिरहम है और कुछ डॉलर्स है। मैंने टोटल 50,000 के करेंसी चेंज करवाई थी, कन्वर्ट करवाई थी इंडियन रुपीज से। तो ये मुझको मैंने 25,000 के दिरहम लिए और 25,000 के डॉलर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए डॉलर कैसे होता है। हालांकि आपने डॉलर देख रखा होगा, आपको पता होगा कि डॉलर कैसा होता है। ये डॉलर है, ये $100 है, $100 है। और अगर मैं आपको धीरम बताऊं तो धीरम ये आप देख सकते हैं, इस तरह की करेंसी होती है जो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चलती है। ये देखिए दुबई में जाने वाला हूं, वहां पे ये वाली करेंसी मेन जो है, ये वाली करेंसी चलती है। ये देखिए ये 10 धीरम है, 10 धीरम। और ये देखिए ये है 50 धीरम, दिख रहा है 50 धीरम। और आपको 200 धीरम दिखाऊं तो ये देखिए ये 200 धीरम। ये लगभग 4,000 से 4,500 रुपए के बीच की ये करेंसी है इंडियन रुपीज में, जो कि आप देख सकते हैं एक नोट में है सिर्फ। तो इस तरह से मैंने करेंसी एक्सचेंज की। और मैं आपको बता देता हूं कि मुझे करेंसी ये वाली कितने में पड़ी, दिरम कितने में पड़ा और डॉलर कितने में पड़ा। तो जैसे कि मैं, मेरे पास बिल है पूरा, तो इसके अंदर जो यूएस डॉलर है वो मुझे 78.80 पैसा और जो यूएई दिरम है वो मुझे पड़ा 21.75 पैसे। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरा बिल है करेंसी एक्सचेंज करने का। तो इस तरह से आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी होती है कहीं भी आप फॉरेन जाते हो। तो चलिए ये करेंसी का काम तो हो गया कंप्लीट, और अब मैं निकलूंगा शॉपिंग के लिए। चलो बाय, मिलते हैं शॉपिंग पे। रात के बज रहे हैं 8:30 और अभी हम निकले शॉपिंग के लिए। तो कुछ टाइम मिला नहीं था तो इस वजह से रात में शॉपिंग के लिए निकलना पड़ा। काफी कुछ सामान लेके जाना पड़ता है ट्रैवलिंग के अंदर, जैसा कि आपको पता है, जिस जो जो गए हुए हैं जाते हैं और काफी कुछ लेना पड़ता है सामान। तो छोटा मोटा ऐसा जब तक आप ट्रिप पे चले नहीं जाते जब तक चलता रहता है। तो अभी मैंने कल शॉपिंग की थी, जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, मैं अभी भी शॉपिंग कर रहा हूँ और मैं कल भी शॉपिंग करूंगा, फिर मैं परसों निकल जाऊंगा। तो ये है बात। तो चलिए कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। दुबई ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे, और इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल से जुड़े रहना। अगर आपको दुबई के ब्लॉग देखने हैं, आपको पूरी जानकारी चाहिए दुबई, अगर आपको जाना है उसके बारे में, और आपको सब कुछ बताया जाएगा कि क्या क्या एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने के लिए क्या क्या चाहिए, किस तरह से बुकिंग करवाई जाती है, किस तरह से कितने में कितना खर्चा आता है दुबई जाने में, और क्या क्या किस तरह से मैनेजमेंट करना पड़ता है, और वहां जाके किस तरह से आपको टिकट्स मिलते हैं, किस तरह से आपकी वहां पे ट्रिप होती है पूरी, ये सब कुछ आपको कंप्लीट आगे की ब्लॉगिंग में दिया जाएगा। इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा इस ब्लॉगिंग के अंदर, इस चैनल के अंदर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और चलिए
थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. ओके थैंक यू बाय बाय. प्लीज कीप लाइक कीप शेयर एंड कीप सब्सक्राइब. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. बाय बाय.